भैरवनाथ जी की सवारी कुत्ता क्यों है, आइए जानते हैं। भैरव का अर्थ है भय का नाश करने वाला। जब किसी भी अन्य साधनों के द्वारा मनुष्य के जीवन सुखमय नहीं हो, तब भैरव को प्रसन्न करने पर उसे चमत्कारी लाभ मिलने लगता है। शत्रुओं के भय का नाम भैरव है। आपने देखा होगा कि भैरव के साथ में एक काला कुत्ता सदैव रहता है। क्या है इसका कारण, आइए जानते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार सभी देवी देवता की अपनी सवारी होती है, जिसे उनका वाहन कहा जाता है। और हमारे इन ग्रंथों के अनुसार भैरव का वाहन स्वान यानी कि कुत्ता है। भैरव वाहन पर बैठे तो कभी दिखाई नहीं देते हैं, परंतु उनके साथ एक काला कुत्ता सदा रहता है। इसके पीछे क्या कारण है? शत्रुओं से कभी भय नहीं। हर देव अपना ऐसा वाहन चाहता है जिसके साथ उसका अपना संतुलन बना रहे। जैसे कुत्ता एक ऐसा जीव है जो शत्रुओं से कभी भय नहीं खाता। रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला, अपनी सीमा में किसी को प्रवेश नहीं करने देता। कोई भी शत्रु जितना अधिक बल प्रयोग करेगा, उतना ही उग्र रूप धारण कर उसका सामना करेगा। कुत्ता अपने शत्रु को कभी भी भूलता भी नहीं है। स्वामी के प्रति पूर्ण वफादार कुत्ता हर समय जागरूक अवस्था में रहता है। सोते समय भी वो आसपास में होने वाली हर आहट पर ध्यान रखता है। जरा भी भय होने पर वो तत्काल सचेत हो जाता है। स्वान अपने स्वामी के प्रति पूर्ण वफादार रहता है और अपने जीवित रहते अपने स्वामी पर कोई भी आंच नहीं आने देता। स्वान की घ्राण शक्ति अति तीव्र होती है। कोई होने वाली घटना का ये पूर्व अनुमान कर लेती है और इसी शक्ति के कारण कुत्ता सदैव सतर्क रहता है। वही सबसे अलग पहचान इन गुणों के कारण भैरव ने चुना अपना वाहन कुकुर। जी हाँ, परंतु काले कुकुर को ही भैरव ने अपनी सवारी के रूप में क्यों चुना? काला रंग सूत्र दृढ़ता एवं परिपक्वता की निशानी है। काला रंग रंगों में सबसे अलग पहचान रखता है। ये हर रंगों को अपने नीचे दबा लेता है। काले रंग वाले प्राणी का हृदय बड़ा मजबूत होता है, इसीलिए ही भैरव ने काले रंग के कुत्ते को अपनी सवारी के रूप में चुना है। यदि आप भैरव की पूजा आराधना करने के साथ साथ किसी काले कुत्ते को दूध के साथ जलेबी, इमरती या मालपुआ खिलाते हैं, तो भैरव अति प्रसन्न होते हैं। वैसे ये प्रथा सदियों से चली आई है। जब विशेष अवसर पर गाय, कुकुर और कौवे के लिए सबसे प्रथम भोजन निकाला जाता है, वही काले कुत्ते को शनिवार के दिन प्रिय भोजन देने पर केवल भैरव ही नहीं, शनि, राहु और केतु भी प्रसन्न होते हैं।